रमोऽर्हन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो वैर्याडं रमो अध्यायाडं रमो लोये सव्यसाहुडं चत्तारि मंगलं अर्हन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरं आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। सामने जो शास्त्र विराजमान है ये है आत्मानुशासन। आप लोग कौन सी क्लास के हैं? कनिष्ठ उपाध्याय के। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, विषय इतना सरल है कि आपके लिए भी अच्छा है। इसमें शुरुआत में वक्ता और श्रोता का स्वरूप आया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो वक्ता श्रोता का स्वरूप है वो तो बहुत पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन उसी को आचार्य की भाषा में हम समझेंगे। इस आत्मानुशासन के रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। कौन है? आचार्य गुणभद्र। कितने बच्चों ने आचार्य गुणभद्र का नाम सुना है? कम लोगों ने सुना है। चलिए मैं बताता हूँ। चूँकि आचार्यों की ये विशेषता रहती है कि वो बड़े से बड़ा काम करते हैं लेकिन अपने बारे में कुछ लिखते तो हैं नहीं। उसके पीछे उनकी भावना ये रहती है कि नाम तो समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं और जो भी मैं लिख रहा हूँ वह कोई मेरा अपना अपनी संपदा तो है नहीं, ये परंपरा से आई हुई संपदा है। और ये जिन धर्म न गुणभद्राचार्य का है न कुंदकुंद देव का है, ये शासन न महावीर का है न पार्श्वनाथ का है न आदिनाथ का है, ये तो सर्वज्ञ का शासन है। किसका? सर्वज्ञ का शासन है। और मूलतः देखा जाए तो ये संसार का वस्तु का स्वरूप है, वो ही जैन धर्म है। इसलिए जिन धर्म में किसी व्यक्ति की मुख्यता नहीं होती है, यही कारण था कि हमारे आचार्य अपना परिचय देने से बचते थे। और बोले क्या परिचय दें, मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले सारे जीव जन्म तो कहीं ना कहीं लेते ही हैं, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। मेरे माता पिता कौन थे? बोले जो भी जन्म लेता है उसके माता पिता तो होते ही हैं, इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया। कहाँ जन्म लिया? बोले जो भी जन्म लेता है कहीं ना कहीं तो लेता ही है, अब उस स्थान का परिचय देने से क्या फ़ायदा है। कब जन्म लिया? अरे जो भी जन्म लेता है किसी न किसी समय तो लेता ही है, इन चीज़ों का क्या परिचय दूँ मैं। यही कारण है कि आचार्य गुणभद्र का भी कोई विशेष परिचय मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी एक जानकारी के तौर पर हमारी जो पूरी आचार्य परंपरा हुई है ना, यानी भगवान महावीर से लेके आज तक जो भी आचार्य परमेष्ठी हुए और ख़ास तौर से जिन आचार्यों ने शास्त्र लिखे, किसने? ऐसे भी हो सकते हैं आचार्य जिन्होंने शास्त्र ना लिखे हों, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्र लिखे
ऐसे जो हमारी आचार्यों की श्रृंखला है, परंपरा है, सिलसिला है, क्या बात आवाज़ नहीं आ रही? क्या आ रही है आवाज़ में? दिक्कत आ रही? अच्छा, कुछ तो मेरी ही आवाज़ कम है थोड़ी। हाँ चलो, थोड़ा पास हो जाता हूँ ऐसे है। अब मुझे क्या है, आदत नहीं है एकदम पास से बोलने की, ऐसा लगता है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। चलिए छोड़ दीजिए। तो हमारी आचार्य परंपरा में तीन आचार्य, इन तीन आचार्यों की तिकड़ी बहुत प्रसिद्ध है। एक आचार्य वीरसेन स्वामी, कितने लोगों ने नाम सुना जरा बताओ? शाबाश, आपने धवला जय धवला नाम तो सुना होगा ना, है ना? तो जय धवला, धवला के कर्ता वीरसेन स्वामी हैं, जिन्हें कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी। उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, उन्होंने धवला लिखा, फिर जय धवला लिख रहे थे तो एक तिहाई लिखा जा चुका था, उसके बाद उनका समाधि मरण हो गया, तो बाकी के जय धवला को लिखा उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने। किन्होंने? जिनसेन स्वामी। तो वीरसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन स्वामी, और जिनसेन स्वामी के शिष्य थे गुणभद्र आचार्य, ठीक है। इस तरह ये हमारे आचार्य परंपरा में, साहित्य परंपरा में ये तीन नाम बहुत फेमस हैं, ये तिकड़ी गुरु शिष्य की बहुत फेमस है। कौन कौन से? वीरसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी और उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी। जब जिनसेन स्वामी महापुराण लिख रहे थे, महापुराण का नाम कितने लोगों ने सुना जरा? चलो कम लोगों ने सुना। महापुराण जब लिख रहे थे तो महापुराण पूरा नहीं लिख पाए थे, केवल आदिनाथ भगवान का चरित्र पूरा करने वाले थे, उसके बीच में जिनसेन आचार्य की समाधि हो गई, तो बाकी का जो महापुराण था जिसे उत्तर पुराण कहते हैं उसकी रचना की गुणभद्राचार्य ने, ठीक है। गुणभद्राचार्य की तीन रचनाएं हैं, मिलती हैं, एक उत्तर पुराण, दूसरा आत्मानुशासन, एक और है जिनदत्त चरित्र। क्या नाम है? जिनदत्त चरित्र, ठीक है। तो गुणभद्राचार्य की तीन रचनाएं, उत्तर पुराण, आत्मानुशासन और जिनदत्त चरित्र। ये उत्तर पुराण क्या है? महापुराण के दो भाग हैं, एक को कहते हैं आदि पुराण और एक को कहते हैं उत्तर पुराण, और इन दोनों ही का सम्मिलित नाम है महापुराण। आदि पुराण में केवल भगवान आदिनाथ का जीवन है और उत्तर पुराण में बाकी 23 तीर्थंकरों का जीवन है। तो जब इनके गुरु जिनसेन स्वामी आदि पुराण लिख रहे थे तो आखिरी का कुछ हिस्सा आदि पुराण का बचा था, तो वो हिस्सा और बाकी 23 तीर्थंकरों का चरित्र, इसको किसने लिखा? गुणभद्राचार्य ने, उनके शिष्य, ठीक है। और वो जो 23 तीर्थंकरों का चरित्र है उसी का नाम क्या है? उत्तर पुराण। क्या नाम है? उत्तर पुराण। थोड़ा बोल के बताओ अच्छे से। उत्तर पुराण। महापुराण के दो भाग कौन कौन से? आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो गुणभद्राचार्य ने उस उत्तर पुराण की रचना की, आत्मानुशासन की रचना की और जिनदत्त चरित्र की रचना की, ये तीन रचनाएं उनकी प्राप्त होती हैं। और इतना ही नहीं, जिनसेन स्वामी जब आदि पुराण लिख रहे थे तो जब उन्हें लगने लगा कि अब तो मेरी समाधि निश्चित है, अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं है, तो मैं जो ये महापुराण लिख रहा हूँ इसे कौन पूरा करेगा? क्योंकि हर एक कार्य करने वाले की एक मन में रहता है कि मैं जो काम शुरू किया इसे कौन पूरा करेगा, इस संस्था को कौन चलाएगा, इस ग्रंथ को पूरा कौन करेगा, ये रहता है ना। तो ये चिंता आचार्य जिनसेन स्वामी को भी हुई थी। तो बाकायदा मेरा ये महापुराण कौन पूरा करेगा, तो उनकी शिष्य मंडली में उनके पास दो ऑप्शन थे,
एक आचार्य गुणभद्र उनके शिष्य और एक और कोई रहे होंगे, और भी रह सकते हैं कोई, तो बाकायदा उन्होंने परीक्षा ली कि किसमें हैसियत है, किसमें ये प्रतिभा है कि इस महापुराण को पूरा कर सके, है ना। उन्होंने एक वाक कहा कि ये सामने वृक्ष है, कहा आप संस्कृत में इसको बढ़िया पद्यबद्ध करो कि सामने वृक्ष है। तो एक ने कहा, है ना, कि सूखा वृक्ष है, सामने सूखा वृक्ष है, इसका बोले काव्य बनाओ, इसको संस्कृत में बढ़िया बद्ध करो। तो एक ने कहा शुष्को वृक्षा तिष्ठति अग्रे, एक सूखा हुआ वृक्ष सामने है। और गुणभद्राचार्य ने कहा नीरस तरु ही, अच्छा ये घटना सुनी है आपने, नहीं सुनी, नहीं सुनी, नीरस तरु रह बिलसति पुरतः, एक नीरस वृक्ष सामने शोभायमान हो रहा है, समझ में आया ना। तो ये होता है, बात एक ही कही जाती है लेकिन कहने वाले के अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व की दृष्टि से उसमें कुछ ना कुछ खास बात आ जाती है। देखो एक पुलिस वाला भी पूछता है नाम, इसने भी क्या पूछा नाम। एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क पूछता है, हाँ जी नाम बताओ, शुष्कता, समझ में आया। एक किसी प्राइवेट बैंक में चले जाएं या कोई प्राइवेट कंपनी में, आपका शुभ नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम, ऐसा भी होता है। तीनों ही नाम पूछ रहे हैं लेकिन एक में कठोरता, एक में शुष्कता और एक में विनम्रता। कोई शायराना अंदाज वाला होगा थोड़ा कवि टाइप का, वो कहेगा आप कौन से अक्षरों को सुशोभित कर रहे हैं महाशय, आप कौन से शब्द की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बात एक ही है लेकिन एक कहने की शैली होती है। तो जो प्रतिभाशाली हो, जिसके काव्य प्रतिभा हो, उसकी बताने की कहने की शैली अलग होती है, समझ में आया, और वो बहुत फर्क डाल देती है हमारे भावों को व्यक्त करने में, है ना। एक भिखारी था, उसने बोर्ड लगा रखा था मैं अंधा हूँ मेरी मदद कीजिए, मेरा आँखों का ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। कोई पैसे ही ना डाले, कोई उसको दान ही ना दे। एक लड़की आई, उसने उसका वो बोर्ड लिख दिया और मालूम क्या लिख दिया, ये दुनिया बड़ी सुंदर है मैं उसे देखना चाहता हूँ, ढेर लग गया पैसों का, बात वही है। तो ऐसे ही कहा इस पेड़ सामने है, तो एक ने कहा, है ना, कि शुष्का वृक्ष तिष्ठति अग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरु यह विलसति पुरतः। तो ऐसी परीक्षा ली बाकायदा। खैर, तो ऐसे गुणभद्राचार्य की ये रचना है जिसे आत्मानुशासन कहते हैं। इसमें 200 संस्कृत के श्लोक हैं, हमें 200 श्लोक नहीं पढ़ना है, हमें इसके केवल 2 श्लोक पढ़ने हैं, एक श्रोता का स्वरूप बताने वाला और एक वक्ता का स्वरूप बताने वाला। इसमें जो 200 श्लोक है इसको हम कोई अध्यायबद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इसकी विषय वस्तु ऐसी नहीं है कि हम इसे अधिकारों में अध्यायों में बांट सकें, क्योंकि इसका एक एक श्लोक अपने आप में एक स्वतंत्र जैसा है ना, जैसे एक गुलदस्ता होता है ना जिसमें हर एक फूल स्वतंत्र है लेकिन उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य, है ना। प्रबंध काव्य में बाकायदा एक विषय चलता है, सभी छंद एक डोरी से बंधे हुए रहते हैं, है ना, आगे पीछे उसका संदर्भ प्रसंग बिठाया जाता है। लेकिन मुक्तक काव्य जो होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र होता है, उसको यहाँ से उठा के कहीं एक दीवाल पर भी लिख दें तो वहाँ भी वह उतना ही बढ़िया है। तो इसमें जो छंद हैं संस्कृत के वह प्रायः मुक्तक है, क्या है, मुक्तक, ठीक है। आत्मानुशासन की 3 टीकाएं हैं, एक आचार्य प्रभाचंद की टीका, एक हिंदी भाषा की टीका आपके सामने है जो ये पंडित टोडरमल जी की है, और एक पंडित बंसीधर जी सोलापुर वाले हुए हैं, उन्होंने भी इस पे हिंदी टीका लिखी है। खैर हम टीका नहीं पढ़ने वाले, मेरी तो यह आदत है कि जो शास्त्र पढ़ाएं
उसके कर्ता का परिचय, उसके शास्त्र का परिचय थोड़ा सा आपको प्राथमिक तौर पर दिया जाना चाहिए। तो एक बार अभी जितना जितना बताया मैं उसको एक मिनट में आपको दोहरा दूं। पहला, ये शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य गुणभद्र की। दूसरा, इतिहास में कौन से तीन आचार्य की गुरु परंपरा प्रचलित है? ठीक है, बीरसेन स्वामी धवलाकार, जिनसेन स्वामी महापुराणकार, और गुणभद्राचार्य उत्तर पुराणकार, है ना। वैसे तो तीन लिखे लेकिन उस सिक्वेंस में देखा जाए तो। अगला, इसमें कितने छंद हैं? बस 270। क्या इन 270 छंदों में कोई आपस में सिक्वेंस है? नहीं, क्यों? ये अपने आप में एक मुक्तक काव्य जैसे है। क्लियर? चलो अब आप इसका निकालिए पेज नंबर। पहले अपन श्रोता का स्वरूप पढ़ते हैं, यानी जिनवाणी कौन सुन सकता है, कौन उसको पढ़ सकता है, कैसा व्यक्ति जिनवाणी का सेवन करने वाला होना चाहिए, ये बहुत अच्छे छंद हैं इसमें। तो पहले श्रोता का स्वरूप पढ़ेंगे, उसके बाद वक्ता का स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले 7 नंबर का पद निकालिए, पेज नंबर भी 7 ही है, है ना। एक साथ पढ़ें, संस्कृत का पढ़ लेंगे, अब तो 2-3 महीने में अभ्यास हो गया होगा थोड़ा बहुत। चलो, इस शार्दूल विक्रीड छंद है। शार्दूल मतलब तो शेर, तो शेर की धाड़ की तरह इसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाभ्रशं भीतिमान् सौख्ये श्रवणादि बुद्धि विभवा श्रुत्वा विचार्य स्फुटं धर्मं शर्मकरं दया गुणमयं योक्त्यागमाभ्यां स्थितम्। चलो, अच्छा बोला आपने, एक बार फिर से बोलो। देखो, एक बात और ध्यान रखो, जैसे कोई गाथा पढ़ें, कोई श्लोक पढ़ें, कोई सूत्र पढ़ें, तो हमेशा हाथ जोड़ के पढ़ना चाहिए विनम्रता, कि मैं जो वचन पढ़ रहा हूँ ये हमारे भगवान के, आचार्य के, ज्ञानियों के वचन है, है ना। भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाभ्रशं भीतिमान् चलो, बहुत अच्छा। ये 4 पंक्तियों में आचार्य ने 7 विशेषताएं बताई हैं कि जिनवाणी का पढ़ने वाला, सुनने वाला, सेवन करने वाला कैसा होता है। इसी को कहते हैं हम श्रोता का स्वरूप। वैसे बहुत जगह है श्रोता का स्वरूप, आदि पुराण में भी है, धवला में भी है, रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की भाषा वचनिका में भी है, मुखमार प्रकाशक में भी है, अन्य अन्य जगह पे बहुत है। लेकिन एक क्या कहना चाहिए, श्लोकबद्ध तरीके से जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो ये लगता है। देखो क्या लिखते हैं, देखो जरा, छंद का पद का सबसे पहला शब्द क्या है? भव्य। ये भव्य कि श्रोता का सबसे पहला लक्षण, उसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? भव्य, वो भव्य होना चाहिए। और भव्य का अर्थ क्या है? भव्य का यहाँ जो अर्थ है, सामान्यतः भव्य मतलब जिसमें वो पात्रता हो, जो जिसकी क्या कहना चाहिए, भली होनहार हो, जिसका भविष्य उज्जवल दिखाई देता हो,
जिसकी होनहार बहुत मनोरम हो, जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि ये भविष्य में जल्दी ही आत्महित करेगा। समझ में आए? कोई व्यक्ति दिखता है ना, वो बीज में ही उसमें अंकुरित होके सारे संसार को, है ना, वो बीजों से भर दे, ऐसी क्षमता उसमें दिखाई देती है। तो अब प्रश्न है कि ये कैसे निर्धारित किया जाए कि इसका भविष्य उज्ज्वल है, कैसे निर्धारित किया जाए? तो ऐसे उसकी भव्यता की पहचान के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत लिखा है। टेक्निकली तो भव्य उसे कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की योग्यता हो। वह जीव यानी जो भविष्य में मोक्ष जाएगा, जाएगा ही जाएगा, ऐसी जिसकी शक्ति जिसके अंदर हो, योग्यता जिसके अंदर हो कि वो जाएगा, वो भव्य है। ठीक है, लेकिन टोडरमल जी के पास जाते हैं तो वो भव्य का ऐसा अर्थ नहीं करते। तो क्या दो अलग अलग अर्थ हैं? क्या नहीं, एक ही बात है। भव्य मतलब जिसका भविष्य उज्ज्वल हो, जिसको देख के लगे कि इसकी होनहार बहुत अच्छी है। समझ में आए ना, भव्य। अब प्रश्न, कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति की होनहार अच्छी है, इसका भविष्य उज्ज्वल है, ये भविष्य में बहुत बढ़िया मार्ग पर चलेगा, ये पता कैसे चले? तो फिर आचार्यों ने भव्य की पहचान लिखी है। दो पहचान मैं आपको बताता हूँ। एक पहचान तो लिखी है आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने, आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में, और दूसरी पहचान लिखी है प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा 62 में। ठीक है, पहली वाली बहुत प्रसिद्ध है, दूसरी वाली प्रसिद्ध नहीं है। पहले कौन सी बताऊं? पहले आप जो प्रसिद्ध है वो सुन लो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजना। ये भव्य का एक लक्षण दिया, एक पहचान दी आचार्य गुणभद्र स्वामी ने। वो क्या लिखते हैं? जिसने प्रीति चित्त से बहुत प्रसन्नता के साथ, आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण आनंद भाव से जिसने आत्मा की चर्चा सुनी भी है, वह निश्चित ही भव्य है और भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। समझ में आया ना? एक पहचान तो ये दी। अब देखो, एक बड़ा विचित्र है कि जो जीव आत्मा की चर्चा प्रसन्न चित्त के साथ सुनता है, अब ये प्रसन्न चित्त मतलब कैसा? एक तो कोई ऐसा व्यक्ति सुन सकता है कि वो सुन के उसे कंटाला आता हो, दूसरा एक परंपरा से सुनता हो, कुल परंपरा से, कि हम तो जैन हैं, हमारा तो रोज का नियम है देव पूजा करना, शास्त्र सुनना, तो शास्त्र के क्रम में कोई आत्मा की बात आ गई तो सुन ली। एक इस तरह से सुन सकता है कि पर्व के दिन हैं और पर्व के दिनों में मंदिर जाते ही हैं, तो चलो एक बार बैठ के देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है। तो सुनना कई तरह का होता है, समझ में आया ना? लेकिन भव्यपने की निशानी क्या है? जो आत्मा की चर्चा प्रीति से सुनता है। और प्रीति कहाँ होती है? जिसको हम अपना मानते हैं उसके प्रति प्रीति होती है। तो प्रीति पूर्वक सुनना मतलब आत्मीयता के साथ सुनना, प्रसन्न चित्त होकर सुनना, बिल्कुल ये मेरी ही चर्चा है, आचार्य जब आत्मा की बात करें तो यूं महसूस हो ये मेरे लिए ही संबोधन है, ये सारा उपदेश मेरे लिए है, मेरा ही है, मेरी ही कथा चल रही है। तो जैसे जब अपनी कथा चलती है तो व्यक्ति दत्त चित्त हो जाता है ना? जैसे बेटे आपका क्या नाम है? मुकुल। अब मान लीजिए ये मुकुल है और ये इसके दो तीन दोस्त वहाँ कोने में बात कर रहे हों, मुकुल ऐसा, मुकुल ऐसा, आपको आपका कान कहाँ लग जाएगा? क्या बात कर रहे हैं मेरे विषय में? और आपको ये तो समझ में आए कि मेरे विषय में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, तो आपके पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पता नहीं क्या बात कर रहे, पता नहीं क्या बात कर रहे, वही चित्त लगा रहेगा, वही चित्त लगा रहेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय हो सकता है आपके पेट में थोड़ा दर्द हो लेकिन आप भूल जाएंगे, हो सकता है आपको कोई और चिंता हो आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमें अपने मुकुलपने से, अपने नाम से, अपने इस जीवन से इतनी प्रीति है कि मेरे विषय में कोई बात कर रहा होगा तो नींद भाग जाएगी,
रात के 2 बजे भी कोई चिल्लाए मुकुल, तो नींद में भी होंगे तो एकदम जाग जाए, नहीं किसने मुझे बुलाया मुकुंद। अरे तो मुकुंद सही है, अरे मुकुल भी सही, मुकुंद सही, मैं तो समझाना है। बड़ा प्राचीन नाम रखा, लेकिन जिसने भी रखा बुआ ने रखा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं, यानी हमें अपने इस जीवन से, इस शरीर से, इस नाम से इतनी प्रीति होती है कि कोई रात में 2 बजे चिल्लाए, हो सकता है किसी दूसरे मुकुंद को चिल्ला रहा हो, लेकिन एकदम सारे मुकुंद जाग जाएंगे। जाग जाएंगे कि नहीं? अरे यहाँ भी आपको नींद आ रही हो और मैं नाम लेके बुलाऊं किसी को, ओ मुकुंद, तो ये होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल होता है, एक स्वाभाविक होता है कि जब ऐसा लगे मुकुंद, मुकुंद सुनते ही सबसे पहला भाव क्या आता है, बिना सोचे बिना विचार किए, मैं। मुकुंद सुनते ही क्या भाव आया, मैं, ये मुझे पुकार रहा है, तो नींद नहीं आती फिर, तत्चित्त होकर सुनते। अब ये तो शरीर की बात हुई, ऐसी आचार्य कहें आत्मा, तो आत्मा सुनकर भव्य जीव को क्या क्या क्या, मैं, ये मेरी बात है। और जब मेरी बात आती है तो उसको प्रसन्नता आ जाती है, उत्सुकता आती है, चेहरे पे उल्लास आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। अभी ज़्यादा स्वरूप नहीं पता आत्मा कैसा है, उसकी उपलब्धि का उपाय क्या है, लेकिन यदि आत्मा की चर्चा सुनी भी और प्रसन्नता आ जाए, तो पद्मनंदी पंचविंशति का कार आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, निश्चितम सा भवेद भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है। समझ में आती है बात की नहीं है? एक बार क्या हुआ, एक जगह गांव में मैं व्याख्यान करता था, अपने ही गांव में, तो रात में जब व्याख्यान होता था तो वो घर में काम करने वाली जो बाई होती ना, झाड़ू पोंछा बर्तन वाली, तो बर्तन मांजने रात में आया करती थी, तो वो बर्तन अर्तन मांज के थोड़ी देर से आया करती थी। और जैसे एक कमरे में प्रवचन हो रहा है तो वहाँ गेट पे वो बर्तन अर्तन मांजने के बाद बस वहीं बैठ जाती थी और प्रवचन सुनती थी। तो एक आध दो दिन तो मैं देखता रहा कि किसे क्या समझ में आता होगा, उसको पढ़ी लिखी तो है नहीं, जैन भी नहीं है, समझ में आया ना, ये सुनती है लेकिन। तो 2 दिन तो बीत गए, तीसरे दिन मैंने पूछा बुंदेली में, भाई तुम्हें कुछ समझ में आता भी है कि नहीं? तो मालूम क्या बोली, बोले पंडित जी ज़्यादा तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं, ये सुनते ही मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैंने कहा निश्चितम सा भवेद भव्यो। मैंने कहा निश्चित रूप से ये भव्य है, क्यों? क्योंकि पूरे 1 घंटे की वार्ता में उसमें किस बात को सुनकर हर्ष आ रहा। बोले जब आप ये बात कहते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो ये सुनकर मेरे अंदर ऐसा आनंद आता है, मैं सब भूल जाती हूँ, समय सुबह से शाम तक कई झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, लेकिन ये सुन के जैसे बिल्कुल सब में दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने कहा जरूर ये निश्चित भव्य है और निकट भविष्य में जल्दी ही मोक्ष को जाने वाली है। अब देखो इसकी थोड़ा तुलना करो, अब चूंकि आप सब विद्वान बनने वाले हैं, आम जनता में होता तो शायद नहीं कहता मैं ये बात, आप लोगों के लिए खास तौर पर कह रहा हूँ। यदि हम तुलना करें, दुनिया में एक व्यक्ति पूजा करता है, ठीक है, और वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, एक व्यक्ति दान देता है और वह अपने आप को महान आत्मा मान लेता है, एक व्यक्ति थोड़ा नियम ले ले, रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का त्याग, तो बड़े अपने आप को स्पेशल मानने लगता है, लगने लगता है ना कि मैं दुनिया से कुछ अलग हूँ। और गलती से कोई व्यक्ति और यदि ऊपर बढ़ जाए, उसने कोई व्रत ले लिया, प्रतिमा ले ली या दीक्षा ले ली, तो फिर तो कहना ही क्या है ना, फिर वो व्रत पालता है, समिति पालता है, 4 हाथ जमीन देख के चलता है, शोध का भोजन करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, छेड़ाला में पड़ा होगा ना, समता सभारे थुति उचारे वंदना जिन दे, सब करता है, तो ये सब धर्म है कि नहीं? सब व्यवहार से सब धर्म है, लेकिन जब तात्विक बात करते हैं, पारमार्थिक बात करते हैं, तो
आचार्य इन्हें धर्म तो ठीक, ये करता हुआ जीव, इन सबको करता हुआ जीव आचार्य उसके भव्यपने तक की गारंटी नहीं लेते। यानी कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है, खुशी की बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए दर्शन पूजन भक्ति प्रक्षाल, लेकिन आचार्य उसे भव्यपने की गारंटी के रूप में भी नहीं गिनते। माने इस बात की गारंटी नहीं है कि ये भव्य है, पूजन प्रक्षाल करते हुए व्यक्ति की गारंटी नहीं है कि ये भव्य है, क्योंकि वो बात काम अभव्य भी कर सकता है। कुछ बात समझे? यानी सारा संसार जिसे धर्म मानता है, आचार्य उसे भव्यपने की निशानी के तौर पर भी नहीं लेते। माने वो भव्यपने धर्म तो ठीक, ये भविष्य में धर्मात्मा हो जाएगा इस रूप में भी उसको नहीं गिनते। किसको? इन सब चीजों को। क्यों? अभव्य भी पूजा भक्ति व्रत धर्म सब कर लेता है, अभव्य भी मुनि बन जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हो सकता है किसी कारणवश अभी व्रति ना हो, पूजा भक्ति भी ना करता हो सकता है वो जैन भी ना हो सकता है अजैनों के यहाँ पैदा हुआ हो, और गलती से कदाचित उसे आत्म तत्व की चर्चा सुनने मिल जाए और उसे प्रसन्नता, आ हा हा मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, आ कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, ये जो उसके अंदर आनंद आ रहा है, आचार्य कहते हैं निश्चित तौर पर भव्य है, ये भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। हो सकता है अभी अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, ना प्राकृत आती हो ना संस्कृत आती हो, कभी स्कूल नहीं गया हो, कॉलेज नहीं गया हो, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल गरीब हो वो व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है गूंगा हो, मतलब बोलना ना आता हो सकता है अंधा हो सकता है शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो, मक्खियां भनक रही हो शरीर में, ऐसी बाहर से देखा जाए तो बिल्कुल नारकी यातनामय जीवन है उसका, समझ में आए? लेकिन यदि आत्मा की चर्चा सुनकर उसे हर्ष आता है, आनंद आता है, अच्छा यही बंद हुआ, बाकी सब देखो पंखे अंखे चल रहे हैं सब चलो तो क्या बात चल रही थी? हाँ, कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसे कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन यदि उसे आत्मा की चर्चा सुन के प्रसन्नता आती है, रोमांच आता है, तो वो अपंग हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके साथ कोई अपयश भी जुड़ चुका हो, गरीब हो, तब भी कहते हैं वो भव्य है, समझ में आया? अब इसके पैरलर इसकी तुलना कोई दूसरे व्यक्ति से करो कि जो व्यक्ति जैन कुल में पैदा हुआ हो, समझ में आया ना, जैन कुल में पैदा हुआ हो, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन नहीं करता हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानता हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, पानी छान के पीता हो, जमीन कंद का त्याग हो सकता है उसने श्रावक के व्रत भी ले रखे हों, प्रतिमाधारी भी हो, और ऊपर से ऊपर जाए तो मुनि भी हो, लेकिन यदि उसे आत्मा की चर्चा में उल्लास नहीं आता, वो ऐसा लगता है जैसे आत्मा फातमा है, तो आचार्य धर्मात्मा तो ठीक, उसे भव्य तक नहीं कहते, वो व्यक्ति अपने आप में कितना ही फूला रहे, समझ में आया है ना? एक बार क्या हुआ, देखो ये भव्यपने की निशानी कोई जरूरी नहीं है कोई बढ़िया सफेद कपड़े पहने भगवान के सामने खड़ा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जैन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता, आचार्य हर व्यक्ति में संभावना देखते हैं, जिन धर्म इतना उदार है
कि किसी का अपमान नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता। हमारे मुनि भगवान के सामने एक चांडाल आया, बोले महाराज हमें कुछ धर्म का उपदेश दो। बोले तुम मांस खाते हो, छोड़ दो। बोले वो तो हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा करो तुम कौवे का मांस छोड़ दो, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। आप देखो ना संभावना कहाँ, किस जीव को, चांडाल को भी। कोई जीव आया, महाराज हम तो शिकार करते हैं, छोड़ दो। बोले शिकार हमारी आजीविका है, उससे हमारे बीवी बच्चे परिवार पलता है, वो हम कैसे छोड़ दें, और छोड़ के अचानक दूसरा काम कैसे करें। तो तुम ऐसा करो, पहला जो शिकार तुम पकड़ो उसे छोड़ देना। छोड़ दोगे? बोले छोड़ दोगे। मौत की कीमत पर भी इस नियम को निभाओगे? हाँ निभाऊंगा। जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। अब बात समझ में आई ना, ये उदारता। जैन धर्म में कोई जातियां नहीं, कोई वर्णवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं। हर व्यक्ति दुनिया का किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, अरे यहाँ तो पशु भी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी सम्यक्त प्राप्त करते हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं। समझ में आया? इन्हीं गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण में लिखा कि जब वो शेर को सम्यक दर्शन हो गया महावीर के जीव को, तो उसके बाद उसकी जीवनचर्या इतनी निर्मल हो गई, पशु की शेर की इतनी पवित्र हो गई कि उस समय उन्होंने लिखा, गुणभद्राचार्य ने ही, इन्हीं गुणभद्राचार्य ने, कि वो शेर का जीवन ऐसा हो गया कि ये तो कुदरत का नियम है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता, यदि होता होता तो उसको वहीं मोक्ष हो जाता। समझ में आया? खैर ठीक है। तो एक तो भव्य पने की पहचान ये लिखी, एक और दूसरी बताता हूँ मैं आपको। ये प्रवचन सार में गाथा नंबर 62 है। कौन से नंबर की गाथा? गाथा नंबर 62 है। उसमें आचार्य भगवान लिखते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ, वो लिखते हैं, वहाँ वो वर्णन कर रहे हैं अरहंतों के सुख का। किसका वर्णन कर रहे हैं? अरहंतों के, जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरहंत भगवान के सुखों का, सुख का वर्णन कर रहे हैं, अतिंद्रिय सुख का वर्णन कर रहे हैं। तो बोले भव्य कौन है? बोले जिसे अतिंद्रिय सुख को की श्रद्धा हो, जो ये मानता हो कि अतिंद्रिय सुख यानी भगवान का सुख ही सुख है, बाकी इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ऐसा जो मानता हो वो भव्य है। भव्य पन्ने की पहचान क्या लिखी? समझ में? यानी अभी उसे खुद अतिंद्रिय सुख नहीं मिला है, अभी खुद आत्मानुभव नहीं मिला है, लेकिन वह इतना संजीदा है कि उसे ये महसूस होता है, देखो सुखी तो यही है, ये जो मैं सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक जो हमारे जीवन की उठा पटक होती है, सुबह उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, नाश्ता करना, भोजन करना, महाविद्यालय जाना, या फिर आप विद्यार्थियों की तरफ से कह रहा हूँ, दूसरे लोगों तो दुकान जाना, नौकरी करना, भोजन करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, रात में सो जाना, ये जो जीवन चक्र चलता है हकीकत में ये सुख है नहीं। सुख तो कौन है? ये अतिंद्रिय सुख ही सुख है। अभी वह जीव कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, अभी कोई आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है उस जीव को, लेकिन बस उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि यार मैं गलत हूँ, सुख तो दूसरा है, जिस सुख में ये पांच इंद्रियां नहीं है। हो सकता है वह जीव जैन ना हो, हो सकता है कोई जिन धर्मी उसके आगे सरनेम जैन ना लगा हो, लेकिन कुंदकुंद देव कहते हैं यदि उसे अपनी इंद्रिय सुख से ऊपर उठकर थोड़ा वो सोचता है तो समझ लेना वो भव्य है। वो कौन है? वो भव्य है। मतलब उसे लगे कि देखो यार, मतलब मुझे भूख लगती है तो मैं सुखी होने के लिए भोजन करता हूं, और चार पांच घंटे फिर भूख लगाती है, ये काहे का इलाज है, ये कैसा सुख है। एक रसगुल्ला खाया आनंद आया, दूसरा खाया आनंद आधा रह गया, तीसरा खाया आनंद चौथाई रह गया, और चौथे पांचवे में तो वो रसगुल्ला जहर जैसा लगने लगता, ये काय का सुख है। हाँ बताओ। नहीं परीक्षा मुक्ति नहीं है, वो हो गई कल, है ना? तो वो ये कैसा सुख है? समझ में आया? ऐसे करके पूरा व्यक्ति जीवन, एक व्यक्ति, आपको पता, मान लीजिए कोई व्यक्ति की 70 साल उम्र है,
तो 70 कुंटल तो गेहूं खा जाता है, कितना 70 कुंटल तो एक व्यक्ति गेहूं खा जाता है, कुछ नहीं तो 10 कुंटल चावल खा जाता है, हजारों लीटर पानी पी जाता है, हजारों लीटर दूध चाय पी जाता है। पी जाता कि नहीं पी जाता? आप यदि कोई बालक हो, गणित का जरा तेज तो लगाना कि एक व्यक्ति की मान लीजिए 70 साल आयु है, एक साल में 365 दिन होते हैं, और रोज यदि वो 3 लीटर पानी पीता है तो कितना पानी पी जाएगा? समझ में आया? यानी इतना खाने के बावजूद भी बोले दुखी जन्म लिया था और दुखी मर गया, इसका मतलब ये सुख नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये यदि किसी के अंदर विचार पैदा होता है, अभी उसे तत्वोपदेश नहीं मिला है, अभी उसे कोई जिन देशना नहीं मिली है, लेकिन एक नेचुरल उसे ऐसा विचार आता है कि ये सुख तो नहीं है, सुख तो इन इंद्रियों से अलग कोई है, और बोले ऐसा सुख तो जिनेन्द्र देव को है, हाँ तो यही सुखी है। ये जिसको स्वीकार है तो आचार्य कहते हैं धन्यवाद, मांगलिक हो, घंटे बजाओ, है गीत गाओ। क्या बोले? निश्चित तौर पे ये खुद एक दिन उस अतिंद्रिय सुख को प्राप्त करेगा और अनंत दशा प्रकट करके मोक्ष जाएगा, इस बात की निशानी कहते हैं। समझ में आया? तो जिनवाणी का श्रोता कैसा होता है? भव्य। भव्य मतलब जिसका भविष्य उज्जवल हो, जिसकी होनहार उज्जवल हो। उसका निर्धारण कैसे करें? बोले उसे आत्मा की चर्चा सुनने में प्रसन्नता आती है, उसे ऐसा लगता है क्या कि सुख तो अतिंद्रिय है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। ऐसा यदि उसे महसूस होता है, बातें नहीं करता, बातें हो सकता है वो गूंगा हो बेचारा समझ में आए ना, लेकिन यदि उसे ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा महसूस होता है, आचार्य कहते सा निश्चितम भवेद भव्य, वह जीव भव्य है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा वह भव्य नहीं होगा तो क्या होगा? वो जिनवाणी सुनता रहेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे पर्वत के पत्थर का पहाड़ है, वो 4 महीने घनघोर बारिश होती रहे, लेकिन क्या पत्थर के पहाड़ का एक कोना भी भीगता है? क्या उसमें तरलता आती है? क्या उसमें नमी आती है? वो तो पानी बंद फिर सूख जाएगा। उस पत्थर के पहाड़ को आप कितने ऐसे ठोक ठोक के करें कि वो टूट जाए? बोले इसमें सिर मारने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने श्रोता के लक्षणों में सबसे पहला कौन सा लिया? अरे वो भव्य तो हो, वो पहली क्वालिफिकेशन तो पूरी करता हो। यदि भव्य ही नहीं होगा तो उसे तो हम सारा जिनागम सुना देंगे, तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर देंगे, तब भी उसके हृदय का एक कोना भीगने वाला नहीं है। उसे उपलब्धि क्या होगी? क्यों? क्योंकि उसमें पात्रता ही नहीं है, लायकात ही नहीं है। उसमें बुंदेली में कहावत है, बोले कोदों में घी खोना है समझेगी नहीं। तो ठीक है, श्रोता का पहला लक्षण क्या है? भव्य। भव्य का अर्थ नहीं, भव्य का शब्द का अर्थ जिसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे, जिसकी होनहार अच्छी हो। अब होनहार का पता कैसे चले? तो जिसे आत्मा की चर्चा में प्रसन्नता आती हो, जिसे इंद्रिय सुख के एवज में अतिंद्रिय सुख की जिसे श्रद्धा हो कि जिनेन्द्र देव का सुख ही सुख है, ये तो हम दुखी हैं, बोले हंसते खेलते दिखाई तो देते, इसमें कोई दम नहीं है, समझ में आए ना। ऐसा जिसे महसूस होता हो वो कौन है? बराबर। कुछ पूछना है इसमें? चल अगला लक्षण क्या? रुचिमंत मतलब वही, इसमें अपनापन, ये चर्चा में अपनापन महसूस हो, ये मेरी है, बस इसी का नाम रुचिमंत। अपनापन, अपनापन बिल्कुल सरल शब्द है, रुचि मतलब अपनापन। और जहां अपनापन होगा तो वहां तो फिर प्रीत्यात्म वीर मिचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निशो परिभालनार्थम। जहां प्रीति होती है तो उसे पता है कि शेर ने मेरे बच्चे को दबा रखा है, हिरणी को, उसे पता है मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये शेर है मैं हिरण हूं। लेकिन अपने बच्चे की प्रीति ऐसी होती है कि अपनी शक्ति को बिना विचारे वो शेर से बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? बस ये स्वाभाविक प्रीति, बस ऐसा होता है, समझ में आया ना, वो उसी का नाम है अपनापन। ठीक है, तो दूसरी विशेषता तरफ चलें।
चलो दूसरी विशेषता है। हाँ बताओ। बाद में हो तो बाद में पहचान हो जाएगी, तब पहचान हो जाएगी। सही। हाँ अभी भव्य को समझ लो, बाकी तो अभी क्या है। अभी मैं पूरा सच्चाई ये है, पूरा मैं वर्डिंग सुनाई नहीं दे रही मुझे। हाँ, पुष्प ग्रंथ भूत वाली। हाँ, अरे गुरु शिष्य की बात नहीं चल रही है, कहीं किसी को नहीं छांटना है, ये आत्मानुशासन है, मेरा अनुशासन, हर चीज स्वयं पे लागू करनी है। ये जो भव्यता है ये मैं हूं कि नहीं, मुझे आत्मा की प्रीति लगती है कि नहीं, मुझे इंद्रिय सुख उपादे लगता है कि नहीं, ये अपने मूल्यांकन करने के लिए आत्मानुशासन है ना ये। अब तो है, आप ग्रहण करने वाले नहीं है, ये ग्रहण करने वाले नहीं है, यही तो ग्रहण करेंगे और कौन करेगा, है ना। चलो दूसरी विशेषता, किम कुशलम मम इति, किम कुशलम मम इति, मेरी कुशलता क्या है, मतलब अपने हित का विचार करने वाला। मम मेरी, मम मेरी, कुशलम कुशलता, किम क्या है, यानी मेरी कुशलता किस में है, मेरा हित किस में है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। इति ऐसा, विमर्शन ऐसा सोचने वाला, विचार करने वाला, विमर्श करने वाला होना चाहिए। भव्य की दूसरी विशेषता क्या है, मेरा हित क्या है, हर एक कार्य में ये विचार कर, इसमें मेरा हित क्या है। मेरा हित मतलब अपने आप को ये मान के नहीं, शरीर का हित, ये वाला हित तो व्यक्ति की वासना में ही पड़ा हुआ है, इस हित की बात नहीं है। वो तो चींटी जा रही है और चींटी के सामने आप उंगली कर दें तो उसे भी अपना हित पता है और रास्ता बदल लेता है, बदल लेती कि नहीं चींटी, जबकि उसके मन नहीं है। लेकिन इस पर्याय संबंधी, इस शरीर संबंधी हित अहित का विवेक तो सबको ही है, किसी को समझाना नहीं पड़ता। अनादिकाल से वासना है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशवान, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, प्यास लगे पानी चाहिए, ये विचार तो बिना सिखाए ही सबको है। खुजली हो रही है तो खुजली करना, ये विचार तो सबको ही है, समझ में आया ना। और इसमें पुण्य का उदय काम करता है, यदि आपको खुजली हो रही हो और पुण्य का उदय नहीं हो तो आप खुजा नहीं सकते, समझ में आया। और यदि यकीन नहीं हो तो मुंबई वालों से पूछ लो, आप में से है कोई मुंबई का, हाँ लोकल ट्रेन में चलते हैं ना बेटे, बिल्कुल भेड़ों की तरह धस के, ऐसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह ऐसे पकड़ के ऐसे धसे रहते हैं, और पैर में खुजली हो जाए तो आप खुजली नहीं कर सकते, और खुजली करें तो पता चले किसी दूसरे को कर दी। तो ये इस अवस्था संबंधी, इस पर्याय संबंधी विचार तो सबको नेचुरल होते, बिना सिखाई, समझ में आया। रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा है, कांटे पड़े हुए हैं, तो किसी को सिखाना पड़ता है, हे मुकुंद, ऐसा सिखाना पड़ता है किसी, अपने आप कर लेते। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। सामने से कोई चीज गिर रही हो और आप नीचे हो तो आपको उपदेश देना पड़ता है, भाई ऊपर से पत्थर गिर रहा है, झूमर गिर रही है, ऐसा सिखाना पड़ता है, अपने आप सीख जाता है। तो ये शरीर संबंधी हित अहित के लिए किसी की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, ये तो हमारे अनादि काल की वासना में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, सीखना पड़ता है, इसलिए उसकी बात नहीं है। यहां
किम कुशलम मम, ये मम में किसकी स्वीकृति है, इस मम में आत्मा की स्वीकृति है, माने मेरे आत्मा का हित क्या है। आत्म को हित है सुख सुख। देखो एक एक अब चूंकि आपके इस कोर्स में सर्वार्थ सिद्धि कब है बताओ, सर्वार्थ सिद्धि फर्स्ट ईयर में, तत्वार्थ सूत्र तो है ना इस समय वरिष्ठ में, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है पता है सबको, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र जिसमें ये बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग। आपको पता है ये सूत्र कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, इसकी उत्पत्ति आप सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ एक अभी बता देता हूँ। उसमें लिखा कश्चित आसन्न भव्य जीवा कश्चित प्रत्यासन्न निष्ठ आत्महित लिप्सु, आपको हिंदी में बता देता हूँ, कोई निकट भव्य जीव कौन सा, प्रज्ञा प्रज्ञावान, और उसमें एक शब्द आया आत्महित लिप्सु, आत्महित की लिप्सा वाला। लिप्सा क्या होती है, एक तो होती है इच्छा और एक होती है लिप्सा। लिप्सा इच्छा से कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा उनकी दोनों की डिग्री में फर्क है। इच्छा तो ऐसी भी होती है, बादल से हो रहा है पानी गिर रहा, चलो यार पकोड़े खाते हैं, अब इच्छा है और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, गर्मी है आइसक्रीम मिली तो ठीक, नहीं मिली मतलब वो हमारे लिए कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। लेकिन लिप्सा मतलब किसी चीज की इतनी घनी इच्छा कि जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना नींद ना आए, जिसके बिना किसी काम में मन ना लगे, नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, जो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसी इच्छा को हम क्या कहेंगे, लिप्सा। तो वहां तत्वार सूत्र के पहले सूत्र की उत्पत्ति की कथा बता रहा हूं मैं, कि कोई निकट भव्य जीव आत्महित का लिप्सा वाला, काय का आत्महित की इच्छा वाला नहीं, आत्महित की लिप्सा जिसे है उत्कट अभिलाषा, ऐसा लिप्सा वाला जीव अत्यंत रमणीक वन में, वन में किसी धर्मशाला में नहीं, वन में, वन में गया और वहां पर मुनि परिषद के बीच में, मुनि संघ होता है ना, तो उस संघ को उसमें परिषद कहा गया। अब उन्हें तो नगर पालिका परिषद सुनी है, समझ में विद्वत परिषद नगर पालिका परिषद, वहां मुनि संघ को कहा गया परिषद। मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए, अभी नाम नहीं लिया, वो तो अपन को पता है कि वो जिसकी बात कर रहे वो आचार्य उमा स्वामी है तत्वार सूत्र के कर्ता, कोई अत्यंत निकट प्रज्ञावान आत्महित का लिप्सु अत्यंत रमणीय वन में मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए, अब उनका वर्णन किया कि वो कैसे हैं आचार्य, जो बिना बोले ही अपने शरीर से ही जो मोक्ष मार्ग को बता रहे, क्या कहा बिना बोले, जो बिना बोले उपदेश होता है वो ही वास्तविक होता है सच्चा प्रभावी है ना। तो बोले बिना बोले ही अभिपाक विसर्गा बपुशाम मोक्ष मार्ग प्रउपर्यंती, जो बिना बोले ही शरीर के द्वारा ही मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की वो पूजन की पंक्ति याद करो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। समझ में आया ना, ये मैं यहाँ बैठकर कितना मुनि धर्म का उपदेश दूँ, जिंदगी निकाल दूँ मैं कपड़े वाला बीवी बच्चों वाला, तब भी मैं वो उपदेश नहीं दे पाऊँगा मुनि धर्म, और कोई मुनि हो वो बोले भी नहीं, केवल बैठे हों ऐसे चल रहे हों तो उनको देखकर ही दिगंबरत्व की शिक्षा मिलती है। तो ऐसा लिखा उन्होंने कि कोई प्रत्यासन्न निकट भव्य आत्महित का लिप्सु प्रज्ञावान कोई व्यक्ति अत्यंत रमणीय वन में मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए, जो बिना बोले ही शरीर से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं, ऐसे आचार्य के समक्ष जाकर बोला भगवन, क्या बोला
भगवान है ना, आत्मा का हित क्या है? क्या बोला? आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा आत्मा का हित मोक्ष है। हे भगवान, ये मोक्ष क्या है? बोले अष्ट कर्मों से रहे जो अतिंद्रिय अव्यावाद सुख की प्राप्ति होना वो मोक्ष है। शब्द थोड़े अलग अलग हैं। अगला प्रश्न, उसके अंदर उम्मीदें जागृत हो गई, मोक्ष भी है, मोक्ष का स्वरूप आचार्य बता रहे हैं, इसका मतलब मोक्ष हो सकता है, मोक्ष की सत्ता है संसार में, यानी कोई ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति सारे दुखों से बंधनों से मुक्त हो जाए, उसको ऐसा आनंद आया, तो हे आचार्य देव जल्दी बताओ उस मोक्ष का उपाय क्या है। तो उनके मुंह से निकल पड़ा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। समझ में आया ना? ऐसा विचार करने वाला कि किम मम कुशलम इति, मेरी कुशलता किस में है, मेरा आत्मा का हित किस में है, ऐसा विचार करने वाला हो। और जब ऐसा विचार करने वाला हो, प्रश्नकार, जब ऐसा भव्य जी प्रश्न करने वाला हो और जब ऐसे आचार्य जवाब देने वाले हो, तब तत्वार सूत्र की रचना होती है। समझना है ना है? चलो, दो बातें हो गई, कौन कौन सी? एक भव्य हो, दूसरा मेरी कुशलता किस में है इस बात का विचार करने वाला हो, और तीसरा, चलो समय हो गया है ना, बाकी की विशेषताएं कल पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। दो विशेषताएं कौन कौन सी भव्य श्रोता की? पहला भव्य हो, दूसरा मेरी कुशलता किस में है इसका विचार करने वाला।